देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। आपने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार इसे जीता है। दिल्ली में केजरीवाल का जलवा कायम है, ये जश्न इसी की गवाही दे रहा है। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक की विजय घोषित हो गई है। कई जगह पर आतिशबाजी भी की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में 11,000 से अधिक वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश ने बीजेपी के राजेश भाटिया को 11,468 वोट के अंतर से हरा दिया है। राजेंद्र नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीती है और इतने भारी मैंडेट से जीती है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दूंगा। ये जीत अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा कराए जाए काम, राजेंद्र नगर की जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। कितने शानदार रिजल्ट आए हैं। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को 40,319 वोट मिले, जो कुल वोट का करीब 55.78% है। वहीं बीजेपी के राजेश भाटिया 28,851 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भाटिया को मिले वोट कुल वोट का करीब 39.91% है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी प्रेमलता 2014 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। प्रेमलता को 2.79% वोट मिले। जिस तरह से भाजपा ने 40 प्रचारकों की जो फौज उतारी थी तीन तिक्रम करने के लिए, राजेंद्र नगर के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने फिर एक बार कहा है कि हमें केजरीवाल के काम की राजनीति पसंद है और हम सब लोग मिल करके राजेंद्र नगर के अंदर जो काम चल रहे हैं उसको तेज करने की कोशिश करेंगे, वहां के कामों को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से अपनी जीत के बाद दुर्गेश सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुर्गेश पाठक को जीत की बधाई दी और लड्डू भी खिलाया। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। अब उपचुनाव में दुर्गेश की जीत के बाद यहां आम आदमी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाँ।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।